पनारो बिड़लो बनायो भारी सभा हनुमत लियो रे उठा बजरंग बालाजी मारो बेड़ो लगा दीजे पारी ये बजरंग बालाजी बजरंग बालाजी मारो बेड़ो लगा दीजिए पारी बजरंग बालाजी।
मंजर है जिस वक्त भगवान राम अपनी वानर सेना लेकर लंका युद्ध करते हैं और मेघनाथ के बाणों से जब लक्ष्मण भगवान मूर्छित पड़ जाते हैं तब हनुमान जी महाराज और पूरी वानर सेना संकट में पड़ जाती है और भगवान राम उस समय वेद जी को बुलाते हैं और वेद जी को कहते हैं कि अगर आज मेरे भाई की मृत्यु हो गई और ये बात अयोध्या तक पहुंच गई, लोगों को पता चलेगा कि मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए गया और अपने भाई के प्राण देके आ गया तो लोग हंसी करेंगे मेरी, वेद जी मेरे भाई के प्राण बचा लो। तब वेद जी ने कहा कि द्रोणागिरी पर्वत में एक संजीवनी बूटी है, वो अगर सूर्य उदय से पहले लाकर खिला दी तो भाई जीवित हो जाएगा। तब भगवान हनुमान जी महाराज वो जल संजीवनी बूटी लेने के लिए रवाना हुए। लाने सजीवनी अब तक क्यों नहीं आए, गए पवनी सुत लाने सजीवनी अब तक क्यों नहीं आए। सेनापति सुग्रीव पुकारे नरवा नर घबराए, सेनापति सुग्रीव पुकारे नरवा नर घबराए। सब लोग भाया सुनसा ए हनुमान, ओ सब लोग भाया सुनसा तुझे श्री राम बुलाते हैं। चुके आजा हनुमान तुझे श्री राम बुलाते हैं। और युद्ध भूमि के बीच में लाकर धमका दिया। प्रात समय हनुमान सजीवनी ले सेना में आए, हे झूमर लाल धन्य बजरंगी लक्ष्मण प्राण बचाए,
वेद जी महाराज गए पहाड़ पर और वो जड़ी बूटी लाकर घोट कर पिलाई। अब जाग उठे बलवान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आलोक के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।